पहले से ही कर लिया क्योंकि एंट्री करनी, तो इसमें मैं क्या करूंगा, जीरो से स्टार्ट करके 6 डिजिट के होते हैं चेक नंबर, तो मैं यहाँ पे करता चला जाऊंगा। ठीक है, ये मान लीजिए मैं करता चला गया इस मेथड से, तो अब क्या है कि ये मान लीजिए मैंने जो चेक नंबर लिखे इनके आगे कुछ जीरो दबाए, और वो जो एरर है ना आप कह रहे हैं, तो एरर के साथ में ये जो एरर आई, मैंने यहाँ पे गलती से क्लिक हो गया इग्नोर एरर, और ये फाइल हो गई सेव। ओके, मतलब इग्नोर एरर नहीं, कन्वर्ट टू नंबर क्लिक हो गया। ठीक है, ओके। अब सवाल है कि वापस जीरो लगाने हैं तो क्या करना पड़ेगा। ओके, है ना, 6 जीबी के होने चाहिए, तो आगे जीरो लगाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन है आपके पास? तो बस आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, नंबर के कस्टम फॉर्मेट पर चले जाइए, जितनी डिजिट की आपकी होती है उतनी डाल दीजिए उसको, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट में मैंने 0 डाल दिए यहाँ। ओके, ओके किया, वापस आ गए। ओके, बट इस केस में जो जो नंबर का काउंट है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, हो सकता है किसी में 7 नंबर आ रहे हो, किसी में 4 ही हो, 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर ऐसा है, वो चेक नंबर तो 6 डिजिट का है ना, मैंने तो स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है वैसे। ओके ओके, नहीं नहीं, ऊपर वो जो चेक नंबर है वो सपोज कोई है 5 डिजिट का, कोई है 6 डिजिट का, कोई है 7 डिजिट का, उसमें उसके लिए तो जहाँ 7 डिजिट वाला है वहाँ 7 डिजिट का कर दीजिए, पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा ना कि वो कितने डिजिट का है, उतने डिजिट का। अच्छा अच्छा, ओके ओके, उतनी बार डालना पड़ेगा। ओके, ठीक है जी। तो अभी ये बात आई कि हमने किया, अब उसमें पहले वाले में क्या था, एक लिमिटेशन थी, जैसे ये है, एक चीज बता रहा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, कि इसको मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूँ सम के फॉर्मूले से, तो इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, हालांकि टेक्स्ट में भी कोई फॉर्मूला लगाएंगे नहीं कैलकुलेट करेंगे, काम नहीं करता, तो फॉर्मेट में करना पड़ेगा, F2 दबा के एंटर किया मैंने, कोई कैलकुलेशन नहीं ले रहा है। बट जब मैं इसको क्या करूंगा, इसको जनरल फॉर्मेट में कर देता हूँ, मान लीजिए कन्वर्ट टू एरर करके और नंबर करके इस तरीके से कर देगा, 6 times 0 फीड कर देगा। तो अब क्या हुआ कि अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो मैं कैलकुलेट भी कर पा रहा हूँ। ओके, ठीक है जी, हालांकि वो फॉर्मेटिंग उसको भी अप्लाई होगी, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये नंबर फॉर्मेटिंग है, और नंबर फॉर्मेटिंग क्या करती है, जब कोई भी इसमें जो नंबर फॉर्मेटिंग होती है वो रियलिटी चेंज नहीं करती डेटा की, खाली विजिबिलिटी चेंज करती है। okay. देखेंगे तो रियलिटी वही है, 0 अपने आप से वो ऐसे ही दिखा रहा है, आपके ही सी है, ठीक है जी, खाली प्रिंटिंग पर्पस के लिए। जी जी, बट आपको अगर रियल में वो वैल्यू चाहिए ना उस तरह से, तो आप क्या कर सकते हैं, जितना भी मैं फॉर्मेट या कोड बताऊंगा टेक्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसमें आप वैल्यू दे देंगे और फॉर्मेट टेक्स्ट में वो वाला फॉर्मेट, जैसे मैंने 6 times 0 का कोड बताया आपको, वो यहाँ डाल देंगे। तो 6 times 0 डाल दिए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालेंगे ये जो भी फॉर्मेट डालेंगे। ओके, ठीक है जी, ओके। तो ये इसकी रियलिटी को भी चेंज कर देगा, इसको कॉपी करके अगर मैं कहीं पेस्ट एज वैल्यूज करूँ, वैल्यूज में फॉर्मेट, तो वैल्यूज में भी आपका एक्चुअल डेटा आ गया। ठीक है जी, तो जब गलती चेंज करने की बात आए तो क्या यूज कर सकते हैं हम, टेक्स्ट का फॉर्मूला। ठीक है, बाकी कोई भी नंबर फॉर्मेट सिर्फ विजिबिलिटी चेंज करेगा। ओके, और कोई एग्जांपल है इसका आपके पास कि यूज केस का आपका भी कभी हुआ हो या करता होता हो फ्रीक्वेंटली? बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे डेट वगैरह में, अभी हम आगे बढ़ेंगे उसमें दिखाऊंगा कैसे कैसे जी, इसको समझते हैं पहले क्या है। 0 क्यों फिक्स किया मैंने? ओके, 0 इसका एक कोड है, मान लीजिए 0 क्या करता है कि जितनी बार आप 0 डालेंगे, अगर डिजिट पहले से इसके अंदर होगी तो वही वाली लेगा, अगर नहीं होगी तो उसकी जगह पे 0 दिखाएगा। ओके, ठीक है जी, जैसे कि आपके नंबर फॉर्मेटिंग का कोड क्या होता है, जैसे मैं
नंबर फॉर्मेटिंग में मुझे इसमें देने हैं डबल डेसिमल प्लेसेस देने हैं, तो मैं कैसे दूंगा? यहां पे जाऊंगा पर जीरो उसके लिए फोर्स करता है, दो टाइम जीरो डाला, डॉट डाला, जीरो जीरो डाला, ठीक है जी, तो जहां नहीं है वहां जीरो लगा देगा, ठीक है जी। तीन टाइम करना है, तीन टाइम जीरो डॉट के बाद कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये तो उससे भी हो सकता है ना, हाँ, हो नंबर में जाके डेसिमल कर करके करते हैं जो, हाँ, पर मैं आपको मैनुअल बता रहा हूँ मैनुअल कैसे होगा ये। ओके ओके, है ना, ऑप्शन तो बहुत अवेलेबल है, मैनुअल भी पता होने चाहिए ना इसमें तो ऑप्शन। ओके ओके, कस्टम वाला जो है ये सब आपको मैनुअल करना है। ये देखिए कितनी तरह के कोड है इसके अंदर। अच्छा ओके, हाँ, तो इन कोड को धीरे धीरे हम समझ रहे हैं कि क्या है। तो जीरो की हमने देख लिया कि जीरो क्या करता है। अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह लिखता पॉइंट वन खाली, तो क्या करता है ये डबल जीरो पॉइंट वन डबल जीरो, तीन डिजिट तक दिखा, फॉर्मेट अपने आप ले ले रहा है जो अपन ने दिया है। हाँ, बट इसमें क्या है कि मैं चाहता हूँ कि खाली एक सिंगल डिजिट तक जीरो दिखाए, ये डबल डिजिट पे जीरो ना दिखाए, आगे जो दिखा रहा है आगे दो जीरो दिखा रहा है ना, मैं चाहता हूँ अगर पॉइंट की वैल्यू तो एक ही जीरो दिखाए, उससे ज्यादा ना दिखाए, डबल ना दिखाए। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, जीरो का एक भाई है हैश, हैश यूज करते हैं, ठीक है जी, हैश भी सेम काम करेगा आपका, पर जिस डिजिट के आगे, ये दोनों ही डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक करेक्टर को डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जहां हैश डालेंगे वहां कंपल्शन नहीं रहेगी, अगर होगी तो दिखाएगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। हाँ ओके ओके, ठीक है जी, अगर मैं कोई भी पूछने वाला था हैश क्या काम कर रहा है, ठीक है, आगे कोई नहीं दिखाएगा। ओके ठीक है जी, तो कंपल्शन और देखते हैं। 22.3 टाइप करिए उस सेल पे, बोलिएगा। हाँ ओके ओके, हाँ ये ओके ठीक है, कोई एरर नहीं आएगी। तो हैश का मतलब ये है, पर हैश हमने लगाया तो अभी भी ये थोड़ा सा कैच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हैश करके आया। मान लीजिए जो मैं मीटिंग आईडी भेजता हूँ आपको 9 डिजिट की होती है जी, मैं क्या करता हूँ बीच में डैश डालना चाहता हूँ हर तीन डिजिट के बाद, तो डिजिट को जैसा कि मैंने बताया और जीरो या हैश जो है डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हैश तीन टाइम हैश डाला डैश डाला, ऊपर सैंपल में देख सकते हैं क्या हो रहा है, अभी क्या है? अभी कुछ नहीं दिखाया, अब तीन टाइम फिर हैश डाला, तो इसने तीन डिजिट आखिरी में पीछे से अलग करी, फिर डैश डाला, फिर आगे की डिजिट, ठीक है जी, आगे और भी पंगा नहीं है, फिर डैश डाला, फिर तीन मैंने हैश डाल दिया, तो इसने क्या किया पीछे से तीन डिजिट अलग करी, डैश इनपुट किया, तीन डिजिट अलग की, फिर डैश इनपुट किया और फिर तीन डिजिट वहां है ही, ठीक है जी। मान लीजिए अगर इसमें मैं ज्यादा डाल देता हूं तो क्या करता है, बाकी बची हुई डिजिट को वो आगे ले लेता है, ओके ठीक है जी, पीछे से चलता है जी। तो मतलब अब इसका मैंने यूज कहां किया था, जैसे मीटिंग आईडी के लिए दिखाया मैंने, अब जैसे मुझे मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ मोबाइल नंबर और उसके आगे मुझे इंडिया का वो दिखाना है प्लस 91 दिखाना है जी, ठीक है जी, तो कैसे करूंगा मैं यहाँ तो इसको सिलेक्ट कर लूंगा। एक क्वेश्चन था, हाँ जी, जब आपने जो डैश डाला था उसको जब वैल्यू ज्यादा हो रही थी तो सामने वाली डिजिट पे चली जा रही थी, मतलब सामने वाली डिजिट पे चार चली गई थी, हाँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो रहा है फिर डैश चालू हो रहा है, सपोज मेरे को पीछे चार करवाना है तो पीछे चार नहीं आएंगे। ओके, अगर आपने चार करवाना है तो यहाँ पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा और सामने तीन चलाऊंगा, ठीक है ओके समझिए, ठीक है जी, जितने डिजिट देंगे हैश खाली डिजिट को पहचानता है, तो पहचानता हूँ और पीछे से ही काम करेगा, तो पीछे से ही काम करेगा, नंबर की आदत होती है पीछे से काम करना। अच्छा ठीक है, ठीक है जी।
तो ये इसको फॉर्मेट में यहाँ छोड़ देता हूँ ताकि इसको देख सके आगे जी। देखते हैं जैसा मैंने बताया कि वो डालने मोबाइल नंबर डालने और +91 अपने आप आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल वन किया, कस्टम में गया, यहाँ डाला +91 जी, फिर उसके बाद सिंगल हैश भी सिंगल हैश भी डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें मुझे कैटेगराइजेशन तो कराना नहीं है कोई जी। तो कोई करना करता नहीं, ये लाके पटक ही देता है, जहाँ हैश होगा वही सारी डिजिट आके आ जाएंगी। तो चाहे 10 बार हैश डाले चाहे 1 बार हैश डाले, वो डिजिट वही आएगी जहाँ आपने हैश डाली। मान लीजिए आपको अगर ये पीछे लगाना था उसके, तो हैश को आगे कर देंगे, ये 91 +91 अपने आप पीछे फिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, हैश का मतलब है कि यहाँ से डिजिट स्टार्ट होगी जी। अब मैं कोई नंबर डालता हूँ, 9 +91 अपने आप आ गया। ओके, जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर मैं हैश अगर आगे कर देता हूँ, अभी देखिए हैश जब तक नहीं लगाया सैंपल में कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, जैसे ही मैं हैश लगाता हूँ पूरी वैल्यू दिखा दे रहा है, तो हैश जहां पेस्ट करूंगा वहां वो वैल्यू आगे वो कर देगा, पेस्ट कर देगा। ठीक है जी, तो हैश क्या है, वैल्यू को नचाने के लिए सीधा सीधा। मान लीजिए इस जगह पे अगर मैं 0 लगाता, ठीक है जी, तो यहाँ कोई नंबर ना हो तो भी ये 0 फिक्स कर ही देगा। क्या करेगा, मान लीजिए 0.3 दे दिया मैंने, तो 0 फिक्स कर ही देगा वो। पॉइंट के बाद तो हमने कोई कंपल्शन दी नहीं है इसलिए। और अगर मैं 10 बार 0 दे दू तो क्या होगा, मान लीजिए ये नंबर कम हुआ तो आगे ये 0 फिक्स कर देगा इसके डिजिट के। ठीक है जी, ओके, इस तरह से करेगा। मान लीजिए 10 बार 0 दे दिया, तो मान लीजिए नंबर कम पड़ गए ना, मैंने कम नंबर इनपुट किए, तो बाकियों को ये 0 से फिल कर देगा। ओके, तो क्योंकि कई बार नंबर ऊपर नीचे होते हैं, इस तरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे हम हैश यूज करते हैं। ठीक है जी, तो हैश और इसका डिफरेंस समझ आ गया आपको, क्या करते हैं, दोनों ही नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे पर कंफ्यूजिंग है, जीरो के लिए, जीरो लगाने के लिए, अगर उन्हें कुछ ना हो तो। ओके ओके, ठीक है जी, उतने डिजिट तक मतलब 0 चाहिए चाहिए उसे। जी जी, अब आगे देखते हैं इसको, डेट में आते हैं। वैसे फ्रैक्शंस में भी यूज होता है, हमने फ्रैक्शंस किए थे ना, 1/2, 2/3। जी जी जी, तो फ्रैक्शंस भी है, हालांकि जैसे मैंने 2.5 डाला है, हालांकि मैं इसकी जगह भी यूज कर सकता हूँ। कंट्रोल वन, कस्टम में गया, हैश डिवाइडेड बाय हैश, ठीक है जी, तो इसको क्या किया, 5/2 दिखा रहा है। मुझे वैसा चाहिए कि 2 सही 1/2 दिखाए, तो इसके आगे एक हैश करा और स्पेस कर दिया। ओके ओके, ठीक है जी, तो इस तरह से दिखा रहा है। अब मान लीजिए कि आपकी यहां से, मैं इसको जनरल में वापस कर देता हूँ, फ्रैक्शंस की कुछ वैल्यूज हैं, या डेसिमल में कोई वैल्यू है, 2.3, 12.32, 235.325, इस तरीके से। मैंने क्या करना है, ये डॉट को बीच में लाना है, डॉट को अलाइन करना है। ठीक है, नहीं समझा, नहीं डॉट मैं चाहता हूँ एक सीध में आए। ओके, मतलब कि वहां पे 0 लगाए ना, 0 ना लगाए 3 डिजिट तक, पर उसका स्पेस मेंटेन करे। ओके, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास जो अलाइन्ड डेसिमल के लिए खाली स्पेस रिजर्व करने के लिए होता है क्वेश्चन मार्क, तो मैंने कहा 3 आगे से मेंटेन करे, तो डॉट के बाद 3 पीछे से मेंटेन करे। ठीक है, तो ये 3 का स्पेस मेंटेन करके चल रहा है, डॉट एक लाइन में आ गए, मतलब 2 की जगह यहाँ है, 1 की जगह यहाँ है। ओके ओके, ठीक है, डिलीट मत करिएगा, एक्सेल शीट में को दे दीजिएगा। हाँ, मैं वो डिलीट नहीं कर रहा, मैंने लगा रखा है। ठीक है,
अच्छा वो वाला भी बना देता हूँ आपका 2.5 और इसका हैश डिवाइडेड बाय हैश और नीचे जो था हैश स्पेस हैश डिवाइडेड बाय हैश इसी तरह अलाइंड हमने डॉट अलाइन किए थे ना अगर हम फ्रैक्शन उसको भी अलाइन करना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हैं इसकी जगह इसमें हैश क्वेश्चन मार्क और जीरो तीनों यूज हो सकते हैं ओके और कोई वेरिएबल डॉलर भी है क्या डॉलर तो स्पेशल कैरेक्टर आ जाते हैं ना ओके उसका अपना कोई यूज नहीं है जिनका अपना यूज है okay. हैश का है जीरो का है और ये क्वेश्चन मार्क का है डॉट okay. क्या करता है डॉट को मतलब रिप्रेजेंट करता है ठीक है जी डॉट डॉट को रिप्रेजेंट करता है और कॉमा जो है थाउजेंड को रिप्रेजेंट करता है जैसे थाउजेंड मिलियन वगैरह लेता है तो उसको okay. कॉमा सेपरेटर कब आता है हजार की वैल्यू में ओके तो इसी तरह से अब आगे देखते हैं अभी हमने क्या क्या नंबर्स के बारे में देखा डेट में देखते हैं कैसे कैसे वेरिएशन आती है इसकी ओके डेट डाली डेट में मुझे क्या चाहिए अब मुझे चाहिए डे चाहिए तो मैं खाली डी लगाऊंगा ठीक है जी तो डेट में से डे निकाल के दिखा दिया इसने मुझे ओके ठीक है जी अगर यहाँ एक तारीख होती देखिए विजिबिलिटी चेंज होती है खाली वैल्यू वो नहीं चाहिए मान लीजिए एक अक्टूबर डेट होती तो ये एक दिखा देता मुझे ठीक है जी सिंगल डिजिट में दिखा रहा है डबल डिजिट में मुझे चाहिए तो मैं डिलीट कर दूंगा ठीक है जी डबल डिजिट में दिखाने लगा मुझे यहाँ जहाँ डबल डिजिट है वहां तो आता ही है इसको एक बार डी करिए फिर से केवल डी वो दिखाएगा वो डी दिखाएगा कि जैसे डबल डी दो बार डी दिखाएंगे तो वन को जीरो वन दिखाएगा सिंगल डी में वन ये फॉर्मेट होते हैं अब देखिए चेंज होती है चीज तीन बार डी करने पे अब तीन बार डी उसका मतलब कुछ और है एब्रीवेटेड डे नेम थर्सडे तीस को थर्सडे क्यों ले रहा है क्योंकि वो डे से रिलेटेड है ना ये इसके इनबिल्ट फीचर्स है ओके ठीक है जी चार बार डी करूं तो फुल डे नेम ओके ठीक है जी तो हमने देखा डी मतलब एक से चार बार हम डी अप्लाई कर सकते हैं हर एक में अलग अलग वो देता है इसी तरह से आपको मंथ चाहिए तो एक बार एम करेंगे तो सिंगल डिजिट में मंथ दिखाएगा एमएम करेंगे डबल डिजिट में दिखाएगा और तीन बार एमएम करेंगे तो एब्रीवेटेड मंथ नेम ओके ओके चार बार करेंगे ये अच्छा है। फुल मंथ नेम इसमें एक फीचर है इसको आप पांच बार भी कर सकते हैं पर उस केस में इनिशियल आएगा खाली इनिशियल अक्टूबर का ओ खाली ओके ठीक है जी ओके इसी तरह ईयर के लिए सिर्फ दो फॉर्मेट है वाई वाई डबल डिजिट ईयर और वाई 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 फोर डिजिट ईयर ओके ठीक है जी थ्री डिजिट वगैरह नहीं चलता दो ही फॉर्मेट है जो फिक्स फॉर्मेट है वो बता ठीक है जी अब आप इसको डेट में आप ये सब जान गए हैं तो इसको कैसे भी घुमा सकते हैं वैल्यू जैसे मैंने क्या करना है पहले फुल डे ने दिखाना है तो चार बार डी डाल दिया मैंने थर्सडे आ गया फिर मैंने कहा कॉमा आए उसके बाद क्या है कि मंथ आ जाए एब्रीवेटेड मंथ तीन बार एम दबाया फिर मैंने कहा डैश आ जाए फिर मैंने कहा कि डबल डी में डेट आ जाए डी कर दिया ठीक है जी फिर डैश या स्पेस किया और मैंने कहा चार डिजिट में ईयर आ जाए वाई 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 ठीक है जी ओके किया डेट कैसे आ गई जैसे आपने फॉर्मेट बनाया सही है
आपको दो तीन बार चाहिए आप उसको फिर भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए इसी के बाद आपको डैश करके एब्रीवेटेड डे नेम चाहिए तो तीन बार डी डाल दिया, कितनी बार भी आ सकता है, कितना भी लंबा ले जा सकते हैं फॉर्म। ठीक है जी? जी जी। इसी तरह से आपका टाइम का है, टाइम में किस किस तरह के फॉर्मेट है, जैसे एच डालेंगे तो आवर दिखाएगा, सुबह के 10 बजने आवर दिखा रहा है, पर ये जो है ना 24 घंटे के फॉर्मेट में, मान लीजिए अगर शाम का टाइम होता, यहां मैं एएम की जगह यहां 10 पीएम कर दूं तो 22 दिखाएगा। ओके, रेलवे टाइम की खाली वैसे मैं दिखाए तो मेरे पास क्या है AM/PM, ये मेरे पास ये फॉर्मेट है AM/PM लिख सकते हैं, A/P लिख सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, ये फॉर्मेट है तो ये आपको वैसे दिखाएगा 10 PM AM/PM में दिखाना शुरू हो गया। ठीक है जी, तो AM/PM का अलग फॉर्मेट है। इसी के बाद आपको दिखाना है मिनट, तो कॉलन दिखाना, डैश भी डाल सकते हैं, कोई कॉलन भी डाल सकते हैं। एम दबाया तो आपका क्या दिखाएगा, मिनट सिंगल डिजिट में, सिंगल डिजिट डबल डिजिट इधर भी चक्कर है, डबल बार एच और डबल बार एम। ठीक है जी, पर अगर सिंगल एम डालेंगे ना तो एक जगह ये अटकता है क्योंकि ये मंथ दिखाने लगता है। ठीक है जी, तो सिंगल एम मिनट के लिए यूज नहीं हो पा रहा, बट अगर आप इसको बड़ी ब्रैकेट में कोई भी करेंगे ना एम या एच, तो उसका मतलब है कि जितना टाइम हो रहा है टोटल मिनट कितने हैं, 1371 मिनट, 10 घंटे 51 मिनट का मतलब है 1371 मिनट सुबह से। हाँ, अब जैसे टोटल घंटे कितने हो गए तो बड़े ब्रैकेट में एच दे देंगे तो टोटल 22 घंटे हो गए। मान लीजिए 22 घंटे से एक्सीड करता है आपका या 34 घंटे होता है, तो इसको दिखाने के लिए जो मैंने फॉर्मेट दिखाया था तो टोटल इलैप्स्ड आवर या मिनट के लिए हम बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं, उसके अंदर एच एम एस कुछ भी दे सकते हैं। एस अगर करेंगे तो इलैप्स्ड सेकंड दिखाएगा टोटल कि 10 घंटे वो मतलब 22 घंटे 51 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। ठीक है, जैसे सुबह का टाइम एम का दिखा रहा है, पीएम में करेंगे तो उतना दिखाएगा। ठीक है, ये होता है चाहे कॉलम लगाए चाहे ना लगाए। ठीक है, कोई भी फॉर्मेट बनाना है, जैसे एच एच करा मैंने, कॉलम दबाया, एमएम करा कॉलम दबाया, एसएस कर दिया, ये आ गया अभी 24 घंटे का फॉर्मेट, AM/PM कर दूंगा तो AM/PM में दिखाएगा 12 घंटे का फॉर्मेट, और इसको 24 घंटे के फॉर्मेट में करना है तो मैं AM/PM हटा दूंगा, तो अब क्या है कि 24 घंटे का फॉर्मेट, हालांकि 34 घंटे लिखा था मैंने, तो 24 घंटे का फॉर्मेट 24 घंटे से एक्सीड जाना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एच के आगे डबल बड़े ब्रैकेट लगा देना होगा तो आपका रेगुलर फॉर्मेट दिखेगी। बहुत भाई 34 कैसे दिखा रहा, समझा नहीं मेरे को। मैंने 34 घंटे एंटर किया था, 34 घंटे 51 मिनट ये, पर ये किस सेंस में यूज हो सकता है 34 घंटे ऐसा है ना, मतलब अभी क्या दिखा रहा है, 34 बज रहे हैं अभी आपके। नहीं नहीं, बजने पे मत जाइए, मैंने टाइम एंटर किया है। टाइम क्या होता है ना, मेजर होता है घंटे मिनट और सेकंड में। ठीक है जी, ये आपके साथ रिक्वायरमेंट आती है कि आपने इन आउट रिकॉर्ड रखे हैं, एक बंदा आज घुसा और परसों निकला तो कितने घंटे अंदर रहा, काम किया, ओके, इवेंट कितनी देर का इवेंट रहा, ओके, इस चीज की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो चीजें हैं। कैलकुलेशन बाद में बताऊंगा, पहले आइडेंटिफाई करना बता रहा हूँ आपको, ओके, कैसे लाया जाता है उनको। जी जी, ठीक है जी, तो हमने टाइम का देखा, इसका देखा, डेट का देख लिया, टेक्स्ट के लिए भी थोड़ा बहुत है, टाइम डेट नंबर देखा, टाइम देखा, डेट देखा, अब टेक्स्ट देख रहे हैं। टेक्स्ट के लिए क्या, टेक्स्ट के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, एट द रेट है। मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी की लिस्ट है,
मैं चाहता हूँ हर एक के आगे ना मैसर्स लिखा हुआ आ जाए, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करूंगा, टेक्स्ट कभी भी डालेंगे तो इनवर्टेड कॉमा के अंदर डालेंगे, तो मैसर्स करके स्पेस भी देना पड़ेगा, स्पेस दे दिया इनवर्टेड कॉमा के अंदर। अब क्या करेंगे, एट द रेट क्या है कि टेक्स्ट की वैल्यू को फेच करता है। मैं आगे डालूंगा तो वहां दिखा देगा, पीछे लगा देगा हमें इसको, ठीक है जी। मैं चाहूं तो यहां भी दिखा सकता हूं और यहां भी दिखा सकता हूं, सेम चीज रिपीट होगा। ओके, एट द रेट से ये रिप्रेजेंट होता है टेक्स्ट हमेशा। तो जैसे मैंने किया मैसर्स वगैरह लिखा हुआ आ गया। अब मान लीजिए आपको ये चाहिए, ये नाम आपने वैसे ही लिख दिए थे, मैसर्स लिखा हुआ चाहिए, तो आप टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं किसी भी चीज में, और वो फॉर्मेट जो मैंने आपको दिखाया यहाँ वो आप लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इसको पेस्ट एज वैल्यूज कर देता हूँ, पेस्ट एज वैल्यूज करेंगे तो नॉर्मल ही आएगा ये, क्योंकि रियलिटी नहीं चाहिए, वैल्यूज जो है रियलिटी दिखाता है, फॉर्मेट तो कॉपी नहीं करता नंबर फॉर्मेट। तो टेक्स्ट का फॉर्मूला इसकी रियलिटी चेंज कर सकता है, वैल्यू देंगे और फॉर्मेट इधर दे देंगे, हमने क्या बताया था। अब वहां इन्वर्टेड कॉमा था, यहाँ तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे रहे हैं तो फिर गड़बड़ चलेगा ना, इसके लिए हम करते हैं ये सिंगल क्वेट यूज करेंगे ऐसी जगह पे। तो मैसर्स स्पेस सिंगल क्वेट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखेंगे पर इन्वर्टेड कॉमा स्पेसिफाई करने के लिए सिंगल क्वेट चलता है, एट द रेट ए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंटर। जैसे ये हटा देते हैं या फिर देखते हैं चलता है नहीं चलता, नहीं चल रहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा कर देता हूं। अब आ रहा है, हाँ इसके अंदर सिंगल क्वेट नहीं, आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करने पड़ेंगे, ठीक है जी, अगर इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा दिखाने हैं तो। ओके, इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि ये दिक्कतें आती है, ठीक है जी। अब ये एक्चुअल वैल्यू है, पेस्ट एज वैल्यूज करेंगे कहीं तो वही आएगा, उसके साथ आ जाएगा, टेक्स्ट चेंज कर जाएगा, ठीक है जी। ये टेक्स्ट के लिए हो गया। एक और चीज होती है टेक्स्ट में, मान लीजिए आप फॉर्म बना रहे हैं कोई, नेम एड्रेस जो भी लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ऐसे ऐसे ये कर देते हैं, मतलब अंडरस्कोर ढेर सारे डाल देते हैं, ठीक है जी। क्योंकि एक्सेल में क्या होता है, कॉलम बड़ा हुआ छोटा हुआ फॉर्मेट बिगड़ता रहता है, तो इसको चाहूं तो मैं एक कॉलम विड्थ के साथ अटैच कर सकता हूं कि डैश तब तक आए जितनी कॉलम की विड्थ रखती है। तो क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मेट है, मैंने क्या किया एट द रेट चूज किया और स्टार, स्टार के बाद जो भी देंगे वो रिपीट हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास में मैं अंडरस्कोर दे देता हूं, तो इन्वर्टेड कॉमा रिपीट हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमा में नहीं वैसे ही दे देता हूं, तो देखेंगे ये आ गया यहां तक, इसको जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, जितना घटाएंगे उतना घटेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट का यूज इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कंडीशन भी हम इसमें कर लेते हैं, कंडीशन जो होता है अपना बड़े ब्रैकेट में की जाती है, इसमें कंडीशन लगी कहां थी, जैसे मैंने यहां पे कोई वैल्यू डाली है कोई माइनस में आ गई, ठीक है जी। तो एक बार मैंने क्या किया था, यहाँ पे नंबर में नेगेटिव वैल्यूज के लिए है ना रेड करा दे रहा है, रेड ब्रैकेट, हाँ। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कस्टम, कोई भी यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, कस्टम पे जाएंगे तो वो वाला आपको अप्लाई मिलेगा, यहाँ कोड मिल जाएगा, okay. ठीक है जी। तो ये कोड okay. कैसे, ये दिखा रहा हूँ, जैसे इस
इसको करते हैं अब थोड़ा सा अलग में। मान लीजिए मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, मैं कह रहा हूं जो 100 से बड़ी वैल्यूज हैं वो ब्लू में आनी चाहिए, बाकी रेड में आनी चाहिए। ठीक है जी, पहले कलर को कैसे डील करते हैं, किसी भी आपको कलर चेंज करना है इसमें क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर वो कलर दे देंगे रेड, सारी रेड में करेंगे। ठीक है जी, जनरल क्या है फॉर्मेट चेंज लिखा है, अगर मैं इसमें ब्लू कर दूं बड़े ब्रैकेट में तो ब्लू दिखाएगा। कुछ ही कलर है, ये मैं आपको लास्ट में पूरी लिस्ट ही दे दूंगा इसकी कि आपको लिस्ट कहाँ मिलेगी, ब्लू में बदल गया है। ठीक है जी, मैंने कंडीशन सेट करनी है, कंडीशन भी हमारे बड़े ब्रैकेट में आती है। मैंने कहा अगर वैल्यू जो है हमारी ग्रेटर देन 100 हो, ठीक है जी, ब्रैकेट में देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक कंडीशन हो गई अपनी। अब दूसरी कंडीशन के लिए क्या देंगे, सेमी कॉलन देंगे। नेक्स्ट कंडीशन आ गई कि अगर लेस देन 100 हो या लेस देन इक्वल टू 100 हो, तो ये क्या दिखा दे, रेड कलर दे। ओके, आप देख सकते हैं जो 100 से बड़ी वैल्यूज है वो ब्लू में आ गई, और जो 100 से छोटी थी या 100 या 100 से छोटी वो रेड में आ गई। ठीक है जी, कोई फॉर्मेटिंग भी कंडीशन के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस पे मैंने कहा कि अब देखिए ब्लू तो हुई, फॉर्मेट कौन सा, यहाँ जनरल जनरल बताया है, मैंने कहा 100 से बड़ी वैल्यूज जो है वो आनी चाहिए डबल डेसिमल में। ठीक है, 100 से बड़ी वैल्यू जो आनी चाहिए डबल डेसिमल में आनी चाहिए, और 100 से छोटी जो वैल्यूज है हमारी आनी चाहिए ट्रिपल डेसिमल में। ठीक है जी, यहां देख सकते हैं ये डबल डेसिमल में आ रही है, ये ट्रिपल में आ रही है। ओके, ठीक है जी जी, अब कॉमा का देखते हैं, कॉमा हमारे लिए क्या क्या करता है। जैसे 1000 लिखा मैंने, तो इसमें डाल देता हूं मैं फॉर्मेट जो दिखाना है मुझे क्या करना है, ####.00। ठीक है जी, कॉमा सेपरेटर के लिए ये होता है, तो कॉमा सेपरेटर लगा हुआ है। मैं इसमें कर देता हूं 123 123। तो क्या होता है कि एक्सेल हमारी जो है मिलियन बिलियन पे चलती है, 23123 में खाली 123000 ऐसे दिखा रहा है, मिलियन पे जाएगा 11 लाख करके कर देता हूँ, तो 1,123,000 इस तरीके से दिखाएगा। तो कॉमा क्या है, अपने आप डिजाइंड है उसके लिए। अभी अब मुझे चाहिए यहाँ इंडियन नंबर फॉर्मेट। ठीक है जी, कि लाख के बाद कॉमा दिखाए, बट उससे पहले करता हूं कि अगर मैं इसके बाद अगर कॉमा लगा देता हूं तो क्या होता है। अगर मैं यहां पे दो वैल्यू दे के यहां हैश करके इस तरह से फॉर्मेट दे देता हूं एक, तो क्या होता है, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, या तो मैंने सही है पर चेंज क्यों नहीं आया, यहां से कॉमा लगा रहा हूं पर वो गायब हो जा रहा है। चक्कर क्या है कि ये जो है अभी डिजाइंड है कि कॉमा बिलियन पे ही आएगा। जब आप इसमें सेकेंड कॉमा देते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो मिलियन पे ही आएगा। उसके जो रिजल्ट को पलटने के लिए हम क्या करते हैं, एक बैक स्लैश लगाते हैं।
ठीक है जी, बैक स्लैश करके कॉमा, क्योंकि कॉमा ऑलरेडी वो है। तो अब देख रहे हैं हमारा वही रिजल्ट आ रहा है 11,23,123। पर इससे पहले जैसा कि मैंने दिखाया आपको, उसमें मुझे दिखाना है, वैसे अगर मैं क्या करता हूं, अभी 11 लाख है, मैं क्या करता हूं, हैश लगा देता हूं, कॉमा लगा देता हूं, ठीक है जी। तो क्या दिखा रहा है ये, 1123,000 आगे की वैल्यू नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने पीछे कुछ दिया नहीं है, तो कॉमा से तोड़ के उतने हजार दिखा रहा है। अगर मैं यहां पे डबल कॉमा लगा दूं तो उसका मतलब होता है, अब देखिए यहां दिखा रहा है 1,000,000, ठीक है जी। ऐसा भी कर सकता हूं .00, तो 1,000,000, 1.2 करके वो 1,000 वगैरह का जो भी होता है, ठीक है जी, तो आपकी वैल्यू पड़ी होगी उसके उतने आगे के दिखा देगा, ठीक है जी। मतलब .00 करके डबल कॉमा हो गया, सही फॉर्मेट आपको दे देगा ये इस तरीके से, ठीक है जी। तो जैसे आपकी कंपनी में होता है कि वैल्यू इन मिलियन दिखानी है, जैसे स्टॉक इंडस्ट्री का सामान पड़ा करोड़ों में पड़ा, वैल्यू इन बिलियन दिखानी है, वैल्यू इन बिलियन दिखानी है, तीन करूंगा तो ये बिलियन में दिखाने लगेगा, ठीक है जी। इसके एग्जांपल्स हैं। अब मैंने कहा कि चलिए यहाँ पे मैंने इंडियन फॉर्मेट अप्लाई कर दिया था कि बैक स्लैश के रिजल्ट को पलट दिया था कि कॉमा आना ही आना है। तो मान लीजिए अगर उसकी कम वैल्यू होती, मतलब 1230 होता, तो क्या कर रहा है, एक कॉमा फालतू दे रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन कि अगर वैल्यू जो है ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1,00,000, ठीक है जी, तो ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करें। अदरवाइज क्या करें, नॉर्मल अपना कॉमा वो, यहां पे मुझे बैक स्लैश की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर उससे छोटी है तो 1000 में, और 1000 का सेपरेटर सही काम करता है, तो मैं नॉर्मल फॉर्मेट दे सकता हूं, ठीक है जी। तो जब ऐसा आ रहा है तो ठीक दिखा रहा है, तब भी ठीक दिखा रहा है, वैल्यू लाख में चली जा रही है तो भी सही दिखा रहा है, ठीक है जी। मिलियन में लेके जाएंगे तो भी सही दिखाएगा। अब करोड़ के आगे कॉमा चाहिए, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये इससे पहले वो करोड़ का करके करोड़ का फॉर्मेट दे सकते हैं बैक स्लैश से, ठीक है जी। ओके, तो ये है टोटल जो है अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये कस्टम नंबर फॉर्मेट, ठीक है जी। अब देखते हैं कि हमें पता कैसे पड़ेगा, इतना सब मुझे मालूम कहां से हुआ, कहां से कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, F1 दबाएंगे, F1। अब यहां पे लिखेंगे कस्टम फॉर्मेट, ठीक है जी। सर्च के जो होते हैं दो मोड होते हैं, एक तो ये हो गया ऑफिस ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन फ्रॉम दिस कंप्यूटर। तो ये इसकी हेल्प आपको मिलेगी ऑनलाइन में, ठीक है जी। Okay. तो कर देंगे तो ऑनलाइन से मिलेगी ये हेल्प, कस्टम नंबर फॉर्मेट खाली ऑनलाइन हेल्प में है। तो सर्च कर रहा है, कस्टम फॉर्मेट नहीं आ रहा, कस्टम नंबर, नंबर फॉर्मेट, इसमें दिखा नहीं रहा, ऐसे तो दिखाना तो चाहिए, नंबर फॉर्मेट, नंबर ऑप्शन कर देते हैं।
और से दिखा रहा है। सो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वही आपको सही MSDN की साइट पे सही मिल जाएगा इसका, क्योंकि ऑनलाइन चेंज होती रहती है ना कुछ ना कुछ। इसका नाम है क्रिएट और डिलीट कस्टम नंबर फॉर्मेट, ये इसी नाम से टॉपिक है इसका। ये ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट है, इसमें चले जाइए, यहाँ आपको फुल लिस्ट मिल जाएगी कि कैसे ये वर्क करते हैं, कौन सी चीजों में इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, कौन सी में नहीं चाहिए। ये है आपका टाइम, फिर कहाँ चला गया, कस्टम नंबर फॉर्मेट, ठीक है। किसको कैसे डिस्प्ले करना है तो क्या आएगा, कौन सा कोड चाहिए, ठीक है जी। जैसे 8.9 को 3 बार 0 कर, ये आपके सामने सैंपल दिए हैं। 1000 सेपरेटर के जो कॉमा का था वो मैंने दिखाया, उसके लिए कौन सा कोड चाहिए, कलर के लिए क्या कैसे देना पड़ेगा, यही कलर आप यूज कर सकते हैं इसके अलावा नहीं। कंडीशन कैसे okay. जैसे ये कंडीशन मैंने दी आपको इस तरीके से, करेंसी सिंबल वगैरह कैसे डालेंगे चाहे तो उसमें अलग से डाल, डेज मंथ एंड ईयर किसके लिए क्या कोड यूज करना है कैसे दिखाना, ठीक है जी। DD YY का, आवर्स एंड मिनट का कैसे जी। तो इस तरह से आप के पास ये पूरी लिस्ट आ जाती है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या क्या, क्रिएट और नंबर फॉर्मेट, क्रिएट और डिलीट है, कस्टम नंबर फॉर्मेट, क्रिएट डिलीट नंबर, ठीक है जी। तो ये था हमने आज देखा, आप इसके ऐसे ही प्रैक्टिस कर ले, फाइल भी भेज देता हूँ नंबर फॉर्मेट के, ठीक है जी।